रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की गिरफ्तारी के बाद मुल्की सियासत में बड़ी हलचल है। तहरीक इंसाफ की कॉल पर कारकुनान ने कई मकामात पर बाहर निकलकर धावा बोल दिया है। हंगामा आई और तोड़फोड़ भी की गई। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से रेंजर्स ने गिरफ्तार किया। इस मौके पर वकला ज़ख्मी हो गए और वकला के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर भी तशद्दुद किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने इस तमाम सूरत हाल पर हुकूमत से जवाब तलबी भी की है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक साबिक वज़ीर आज़म को इस अंदाज में गिरफ्तार करना दुरुस्त इकदाम है या ये वही गलती है जो माजी के हुक्मरान भी करते रहे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अब क्या होगा? क्या अलकादर ट्रस्ट बदउनवानी केस में इमरान खान को सजा हो सकती है और फौज मुखालिफ बयानात पर क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत एक पेज पर है या नहीं? इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, इम्तियाज़ आलम और रज़ा रहमान साहब। बेहतर ही बनाया है। आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान नैब केस में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस वक्त बड़ी सियासी हलचल जो है वो मची हुई है। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। रज़ा रहमान साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी है या नहीं है, और ये कहा गया है कि मुनासिब फैसला जारी किया जाएगा। क्या कहेंगे आप, गिरफ्तारी कानूनी है या नहीं? किस किस्म का फैसला आएगा? क्या किसी को गिरफ्तार किया जा सकता? देखिए जी, नैब जो ऑर्डिनेंस है उसके नीचे गिरफ्तारी तो हो सकती है एट एनी स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, और ये नैब जो चेयरमैन है उनके पास ये अथॉरिटी है कि इसका वारंट जो है ऑफ अरेस्ट है वो इशू करें, और गालबन उसके नीचे ही आज इनको गिरफ्तार किया गया इमरान खान साहब को। सेक्शन 20(18)(e) और 24 है जिसके नीचे 24(d) जिसके नीचे ये अरेस्ट कर सकते हैं, तो उसी के नीचे अरेस्ट किया गया है उनको। अब सवाल ही उठता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर इस पर फैसला महफूज किया अपना, देखते हैं वो क्या अपनी एनालिसिस देते हैं, क्या इसकी लीगैलिटी पे क्या वो अपना ऑर्डर देते हैं, वो हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे बजाय लगता है कि ये अरेस्ट लीगल ही था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज़ आलम साहब, कल खदशात का इजहार आप कर रहे थे, हो गई है गिरफ्तारी, अब आगे क्या मामलात होंगे? देखिए, आज मैंने सुबह उनकी गिरफ्तारी से पहले एक तहरीक इंसाफ वालों को एक मशवरा भिजवाया था कि वो अब ये मजीद कन्फ्रंटेशन की तरफ न जाएं तो ये बैक फायर करेगा और नुकसान होगा। बाहर कैब उसके बाद इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई। मैं समझता हूँ कि दिस वॉज अगेन एन अगली सीन इन पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री। ये अच्छा सीन नहीं है। मैं तमाम दुनिया के टेलीविजन देख रहा था, वेस्ट के भी और इंडिया के भी और यहाँ तक कि बांग्लादेश के और श्रीलंका के, तो ये सारी बात बाहर तो ये की जा रही है मगरिब में जो इंटरनेशनल टेलीविजन पे कि इमरान खान को गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि उन्हें सियासत से बाहर निकालना है और नाहल करना है। और देखिए, ये आईएसपीआर का बयान भी इसकी दलील है। कल उनका बयान आया, उन्होंने रेड लाइन खींची और आज उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। और वो जिस तरह से और जिस मकाम पर गिरफ्तारी हुई है हाईकोर्ट के अंदर, मैं समझता हूँ कि वो अफसोसनाक। गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इससे ज़्यादा गुस्से में आई है। उनका रद्द अमल जायज़ है कि ये क्या तरीका है गिरफ्तारी का। वो बाहर भी गिरफ्तार कर सकते थे, ये सारा थिएटर और ड्रामा करने की ज़रूरत क्या थी? फिर जिस तरह इमरान खान को ड्रैग किया, आप खींच कांच के ले जा रहे हैं, आप आराम से ले जा सकते थे। इमरान खान को आपने वारंट दिखा दिए, उसके बाद कहते चलिए साहब चलते हैं आपको लेकर। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी एक पैगाम दिया गया जिसका मुल्क भर में बहुत उल्टा असर हुआ है। मैं कहता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के वोट पे जो रद्द अमल आया था उसके मुकाबले में ये रद्द अमल जो होने जा रहा है या हो रहा है वो कहीं ज़्यादा होगा। फिर जो उनके वकला ने किस्सा बयान किया है कि इमरान खान को मारा, ये किया, वो किया, सिर पर डंडा मारा एक साहब ने, ये कहा, मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोसनाक है। हम भुट्टो साहब का ट्रायल भी देख चुके हैं और हमें याद है कि लाखों पीपल्स पार्टी के दसियों हजार वर्कर गिरफ्तार करके यहाँ पर सन्नाटा एक सन्नाटे का माहौल बनाया गया था, कर्फ्यू का माहौल, जब उन्हें लाहौर हाईकोर्ट ले जाया जाता था। हमने देखा कि किस तरह नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ जब उन पर केस बना वो नाम निहाद हाई जैकिंग का,
और उन्हें फांसी की सजा होते होते रह गई, उम्र कैद हो गई। हमने ये भी देखा कि किस तरह दोबारा नवाज शरीफ के साथ एक भोंडा ट्रायल हुआ और एक बड़ा ही गैर मुनसफाना फैसला किया गया और ताहत नाहल कर दिया गया। अब हम एक और जिस तरह हमने ये भी देखा कि बेनज़ीर को किस तरह शाहराह पे मार दिया गया, करवा दिया गया। और मैं समझता हूँ कि ये जो इमरान खान के साथ भी हो रहा है ये भी एक बड़ी ट्रेजिडी भी है और एक तरह की एक बड़ी खौफनाक कहानी भी है कि किस तरह एक क्रिकेट हीरो को और एक फिलैंथ्रोपिस्ट को आप बिल्ड करते हैं एज हीरो ऑफ द नेशन और दसियों साल बिल्ड करते हैं और उसके बाद उसे सियासत में लाते हैं और फिर उसे बिल्ड करते हैं और सियासी इंजीनियरिंग करते हैं और उसके बाद उसे प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं और 3.5 साल खूब जश्न मनाते हैं इस हाइब्रिड निज़ाम का और उसमें फिर सारी बात को हंडिया बीच चौराहे टूट जाती है और उसमें इनाम आते हैं आर्मी चीफ के, इनाम आते हैं साबिक ISI चीफ के और दोनों तरफ से ये बयान कन्फर्म हैं, जनरल बाजवा के बयान हों या इमरान खान के, कि किस तरह ये सारा रजीम बना और चलाया गया और किस तरह वो भांडा फूटा। अब इमरान खान जो थे वो जाने के बाद भी कोशिश करते रहे कि किसी तरह उनसे फौज का मामला दोबारा से बहाल हो जाए, लेकिन वो कुछ ज़्यादा लगता है मुझे इम्पेशेंट हो गए और उन्होंने कुछ ज़्यादा ही रद्द अमल का मुजाहरा कर दिया, ख़ास तौर पर जब उन्होंने साक्षी थेरी खड़ी और जिस तरह वो बातें करते रहे, गो के वो इसमें खुद शामिल थे, उस सारे भाई बहुत रजीम का हिस्सा थे। तो अब इमरान खान को जो अब आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो अभी आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सारे टेलीविजन दिखा रहे हैं कि किस तरह इमरान खान के दौर में सियासी मुखालफिन के साथ इसी नैब के तहत क्या क्या बदसलूकी हुई, जाती हुई और कितनी लंबी जेलें काटनी पड़ी उन्हें, एक खौफनाक मंजर वो भी इमरान खान के दौरे में। अब हम देखते हैं कि अब इमरान खान की बारी है और इसमें मुझे लगता ही है कि जो मैंने कल कहा था कि रेड लाइन ड्रॉ हो गई है और आज इमरान खान ने उसके जवाब में जो ISPR को ख़ताब करते किया अपनी गाड़ी से इस्लामाबाद जाने से पहले, उसमें उन्होंने नाम लेकर फिर उन्हें कहा कि अपनी पोजीशन पे वो कायम रहे, बल्कि उन्होंने अपने इल्ज़ाम को बड़ी सख्ती से दोहराया। अब तो मैं समझता हूँ कि ये जो ना इसका मामला, ये अब सियासी क्राइसिस जो है अब ज़्यादा पोलिटिकली एक्सप्लोसिव हो जाएगा और ये बातचीत वाली बात तो दफन हो गई, जिसकी हम भी कोशिश कर रहे थे वो तो अब दफन हो गई। अब इंतखाबात का मामला भी सवालिया निशान बन गया है कि होंगे कि नहीं होंगे, अदालत का झगड़ा भी है हुकूमत से, पार्लियामेंट का और सुप्रीम कोर्ट का झगड़ा भी चल रहा है, इमरान खान का और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का झगड़ा चल पड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें गौर करना चाहिए, एक पॉज करना चाहिए एज ए नेशन कि हम किधर ले जा रहे हैं मुल्क को। बिल्कुल ठीक है भाई, आप सीधे सीधे इंतखाबात कराएं, तारीख दे दें कि अक्टूबर में क्या तारीख है आपके इलेक्शन की, कम से कम कौम के सामने एक क्लियर टारगेट तो आएगा कि भाई और इमरान खान का ये जो ठीक है। इम्तियाज आलम साहब, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, गुफ्तगू का सिलसिला हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे, वापस आएंगे आज की इसी बड़ी खबर पर, दोनों पैनलिस्ट जो हैं बाकी उनकी भी राय लेंगे, आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से। सलमान आबिद साहब, क्या कहेंगे आप, इमरान खान की गिरफ्तारी दुरुस्त इकदाम है या फिर बड़ी गलती है? देखिए, इमरान खान की गिरफ्तारी पर आज सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश होगा तो वो मुस्लिम लीग नून के कुछ लीडर तो बहुत खुश होंगे, नवाज शरीफ, मरियम नवाज़, फजलुर रहमान, राना सनाउल्ला, ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ़, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुज़ाकरात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और ये चाहते ये थे कि किसी भी तरीके से मुज़ाकराती अमल आगे ना बढ़ सके और बकौल इम्तियाज़ आलम के आज वो मुज़ाकराती अमल दफन हो गया। तो आपने क्या मुज़ाकरात करने थे, क्या उसका नतीजा निकालना था, क्या मुफाहमत करनी थी, वो उसका नतीजा आज हमने देख लिया इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में आया और फिर जिस अंदाज से गिरफ्तार किया गया, इसका मतलब ये है कि हम ना यहाँ मुफाहमत की सियासत चाहते हैं, ना यहाँ शायद इंतखाबात चाहते हैं, ना यहाँ जो है हम कोई माशी तरक्की या सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं। अगर आज ही ये जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है वही पढ़ लेते हम लोग, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के ऊपर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है और अगर IMF के साथ उनका मामला तय नहीं होता तो ये जो डिफ़ॉल्ट है इसके इम्कानात बढ़ जाएंगे, और साथ साथ ये भी उन्होंने कहा अपनी रिपोर्ट में कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त माशी अदम इस्तेकाम है उसकी एक बड़ी वजह जो है वो आपका सियासी अदम इस्तेकाम है। तो हमने तो कुछ नहीं सीखा,
हमें तो इमरान खान को गिरफ्तार करना था, आज मकसद पूरा हो गया है, अब मुल्क भी तरक्की करेगा, माशी तौर पे भी तरक्की करेगा, सियासी तौर पे भी तरक्की करेगा। और आज माशाल्लाह वज़ीरे दाखला राणा सनाउल्ला ने जिस तरह से गालियां निकाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी शानदार किस्म का एक नमूना है। फिर आज ही को मुबारकबाद दें कि पार्लियामेंट के अंदर तोहीन पार्लियामेंट का बिल भी मंजूर हो गया, यानी आप अंदाज़ा लगाइए पार्लियामेंट पर तनकीद करने के ऊपर सजा है। यानी क्या जमहूरियत के अंदर ऐसा हो सकता है कि क्या सियासी कुव्वतें अगर पार्लियामेंट के अंदर बैठ के पार्लियामेंट पर तनकीद करें, या पार्लियामेंट से बाहर बैठने वाले कुछ अफराद सिविल सोसाइटी या कुछ मीडिया उस पर तनकीद करें तो उन पर तोहीन अदालत लगेगी। ये कैसी शानदार किस्म की जमहूरियत हम यहाँ पर रोशनाश करा रहे हैं और किस किस्म का कल्चर हम यहाँ पर रोशनाश करा रहे हैं। और जिस तरह की राणा सनाउल्ला ने गालियाँ बकी हैं उससे अंदाज़ा होता है कि क्या सियासी कल्चर है, क्या डेमोक्रेटिक कल्चर है, किस तरीके से हम चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, किस तरह से इमरान खान की तजहीक की जा रही है। तो सवाल यह है, मुबारक हो हुकूमत को, इदारों को, गिरफ्तार तो कर लिया इमरान खान को। अच्छा, अभी मुझे कोई बता रहा था कि जनाब ये जो अलकादरा ये जो केस है, अलकादर ट्रस्ट बिल्कुल शफाफ केस है ये, तो उसमें तो इमरान खान ने डिस्क्वालीफाई होना है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अगर इतना शफाफ केस है तो क्यों चले गए थे वो निकाहनामा के चक्करों में, क्यों चले गए थे उसकी बेटी की तरफ, क्यों चले गए थे तोशाखाना की तरफ, क्यों चले गए थे फना केस में, इतना साफ केस था तो यही केस ले आते यार, इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाता। ये हर रोज हमें आके एक नया कहानी सुनाते हैं कि ये जो ये देखिए इतना शानदार केस है इसमें तो इमरान खान ने डिस्क्वालीफाई होना ही होना है। अच्छा, करके देख लें, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई भी कर लें, जो हमने देखा कि माजी में भट्टो साहब के साथ जो कुछ हुआ, बेनजीर भट्टो के साथ हुआ, नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, नतीजा क्या निकला? आज भी सियासत का रिमोट कंट्रोल उन्हीं लोगों के हाथ में है ना। तो जो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान से सियासी रिमोट कंट्रोल हम छीन लेंगे वो भी कामयाब नहीं होगा। जाना तो आपको इलेक्शन में जाना होगा, रद्द अमल देख लीजिए जिस किस्म का आ रहा है उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत सी बातें जो कही जा सकती हैं, बहुत सी बातें जो नहीं कही जा सकती, लेकिन सवाल यह है कि इस पूरी मुहिम जोई से सुनिएगा, इस मुहिम जोई से निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो है वो कहते हैं कि जो इस वक्त तो हो रहा है ये सियासत नहीं है। भाई निगरान वजीर आला का मसला यह है कि वो हर काम कर रहे हैं, जो काम उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने तकवीज किया था इलेक्शन कराने का वो तो नहीं कर रहे। आप इस किस्म की मुहिम जोई से, सियासी एडवेंचर से मुल्क को आगे लेके जाने की बजाय मुल्क को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। करें इंतकाम की सियासत, करें इमरान खान को गिरफ्तार, अदालतों से सजाएं भी होनी चाहिए इमरान खान को अगर उन्होंने जुर्म किया है, लेकिन जो अंदाज आप इख्तियार कर रहे हैं इससे पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। साहब यही बातें उठ रही हैं कि अलकादर ट्रस्ट जो है वो एक बदनवानी का केस है, ये इंतकामी सियासत पर मबनी केस है, क्या वाकई इंतकामी सियासत हो रही है या फिर कानूनी गिरफ्तारी हुई है आज? देखिए, ओपन एंड शट केस है, 48 अरब रुपया बाहर से आता है, इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली वो दे दिया जाता है रियाज मलक को, और रियाज मलक को देने के बाद उसके इवज जो है वो रिश्वत वसूल की जाती है 450 कनाल ज़मीन, और जब ये ज़मीन वसूल हो जाती है तो फौरन उसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के अंदर तब्दीली करके उसे ज़ाती मलकियत डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये तो सारे वाजे हैं। अब मसला ये है कि 48 घंटे से हमारे सियासी कायदीन की ज़ुबान के अंदर बहुत ज़्यादा तलखी आती जा रही थी, और कल तो इम्तियाज़ आलम साहब ने फरमा भी दिया कि रेड लाइन क्रॉस हो गई है, उस तलखी के अंदर रेड लाइन क्रॉस हो गई। अब मसला, अब देखिए इसमें बात यह है कि इमरान खान साहब ने और इमरान खान के प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर लोग इंस्टॉल हुए हैं। अब इस वक्त भी सोशल मीडिया के ऊपर परसेप्शन बनाया जा रहा है कि फलां जगह पे भी आग लगी हुई है, फलां जगह पे भी आग लगी हुई है, फलां के घर में घुस के जला, ये सारा परसेप्शन बिल्डिंग है। उसके लिए पुरानी बड़े बड़े किसी गैर मुल्क की ऑडियो वीडियो निकाल के भी उसको बड़ी स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया टीम है पीटीआई की, इसलिए सुन लीजिए क्योंकि वो आप उस सिस्टम के अंदर बैठ के जब उसको क्रिटिसाइज करते हैं तो वो सिस्टम रिएक्ट करता है, आपके ऊपर हंसता है, आपकी बेबसी के ऊपर, मेरे ऊपर भी हंसा जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए वो इतना खौफनाक सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, शिकागो में उसका एक ऑफिस है, लंदन में उसका एक ऑफिस है, परसेप्शन बिल्डिंग उसने करनी होती है, और परसेप्शन बिल्डिंग इस वक्त ये हो रही है कि दरवाजे इस स्टूडियो तक पहुंचते मुझे कहा गया कि मुल्क में इमरजेंसी लगने लगी। मैंने कहा क्यों है, मुझे सारा शहर बंद पे है। मैं क्या, मैं वो शहर के साउथ से चलाऊं और सेंटर में पहुंचाऊं, मुझे तो रास्ते में कोई शहर की बंदिश नजर नहीं आई। नहीं, वो लिबर्टी में हुई होगी। मैं कहा तो लिबर्टी का बंद होना शहर का बंद होना यार। लेकिन एनी हाउ, देखिए इमरान खान साहब का ख्याल था कि वो
हर दफ़ा बदजुबानी का, मुखालफीन की बेइज्जती का, उनकी ह्यूमिलिएशन का एक नया स्टैंडर्ड, एक नया पैराडाइम फिक्स करेंगे और फिर जब लोग उस पैराडाइम या उस स्टैंडर्ड तक पहुंचेंगे वो उस लिमिट को, इस बार को बढ़ा देंगे। इस दफ़ा वो बार बढ़ाते बढ़ाते जो है वो उनके अपने ऊपर गिर गई है। उन्होंने कुछ ऐसे काम कर लिए हैं या ऐसे नाम ले लिए हैं कि जिन लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया और नतीजे के तौर पे उनकी गिरफ्तारी हो गई है। ये गिरफ्तारी के अभी जो है इमरान खान एम्पायर को साथ में ला के खेलते रहे हैं क्योंकि लम्हा मौजूद में जो जुर्म वो कर रहे होते हैं उसका इल्ज़ाम दूसरे पे लगा रहे होते हैं तो थर्ड एम्पायर का क्रेडिट भी वो खुद लेते हैं। नैब ने नहीं की गिरफ्तारी? नहीं, नैब ने की गिरफ्तारी की है। मैं कब कह रहा हूँ नैब ने गिरफ्तारी नहीं की, कानून के मुताबिक की है। उन्होंने बकायदा अदालत से जाके उसका वारंट लिया है पहले और पूरा प्रोसेस मुकम्मल किया गया। पहले 3 नोटिस भेजे गए हैं, वो नोटिसेज पे नहीं आए, उसके बाद बेलेबल वारंट जारी करवाए गए हैं। 2 दफा बेलेबल वारंट जारी हुए हैं, 2 दफा बेलेबल वारंट के बाद नॉन बेलेबल वारंट जारी हुए हैं और उसमें उनको गिरफ्तार किया गया है, लीगल प्रोसेस मुकम्मल किया गया। ये केस पहले दिन के टेकअप क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे कोई ये नहीं बैठा हुआ था कि वो अमेरिका में बैठ के कहता कि मैं जाऊंगा इसका एसी उतरवाऊंगा, कोई नहीं बैठा हुआ था। यहाँ पे लीगल कोर्ट से काम हो रहा था। जैसे आज नायब प्रोसिक्यूटर ने, आज नायब प्रोसिक्यूटर ने वहां पर इतराफ किया है, मैं आपकी वजाहत कर दूं, मैं बताता हूँ इतराफ क्या किया, सुन तो ले यार, एक बात यार मैं तो सुन तो ले क्या इतराफ किया है। जब उन्होंने कहा ना कि आपने जितने नोटिस भेजे जरा उसकी कॉपी दिखा दे, वो कॉपी नहीं दिखा सकते। जो कुछ पहुंचे उसके पास पूरा होगा। सही है, सही है। इम्तियाज आलम साहब, जो सिचुएशन है बन रही है इस वक्त, आपको लगता है किसी किस्म की इमरजेंसी का माहौल बन रहा है? देखिए, मैं तो केस पे कमेंट नहीं कर सकता और ये दुरुस्त नहीं है मेरे भाई साहब की बात के वो ट्रस्ट की जमीन उन्होंने जाती मलकियत बना दी, वो ट्रस्टी के नाम है। अब मुझे ये मालूम नहीं है कि वो जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई मलिक रियाज साहब की, उसका क्या ताल्लुक है, इस मुझे इसका मालूम नहीं है। आज अदालत में जो कार्रवाई हुई है अदालत के हाथे में, लगता है कि इमरान खान की जमानत हो सकती है और ये जो सारा ड्रामा हुआ इमरान खान खूब पॉलिटिकली कैश करेंगे, अगर ना भी हुई जमानत तब भी कैश करेंगे। जो आज मैंने सोशल मीडिया पे रिजवान साहब को उसका नोटिस लेना चाहिए था, आज सारा तोपों का रुख जो है वो फौज की तरफ था। मैं फिर कहूँगा तहरीक इंसाफ वालों को कि वो जो जंग लड़ नहीं सकते उस जंग में न कूदे और बेहतर था कि ये मामले को इससे एहतियात बढ़ती जाती। लेकिन अब द वॉर इज इनटू द ओपन, अब लाइनें खिंच गई हैं, सब बंदियां हो गई हैं, आज की इतलात कोई अच्छी नहीं है और जो कॉल्स दी गई हैं वो तो सियासी मुखालफीन के खिलाफ नहीं दी गई हैं, रियासत के इदारों के अफसरों के खिलाफ कॉल्स दी गई हैं और ये मामला मैच लेवल पे चला गया है। अब इसके बाद पाकिस्तान में ये जो रहा छोटा मोटा टूटा फूटा सिविलियन निज़ाम होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, आप एमरजेंसी की बात कर रही, कुछ और सब कुछ हो सकता है। तो इम्तियाज आलम साहब, बतौर सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी लग सकती है जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें आपके ख्याल में? देखिए, ये जो इमरान खान की हड्डी है वो अब गले में फंसी हुई है, न निकली जाती है न उगली जाती है। ऊपर से इमरान खान ने पिछले 1 साल में बहुत मैसिव पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की है, मैसिव पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, किसी और पार्टी, कोई और पार्टी मैदान में थी ही नहीं। बयानियाँ बिका है तो उनका बिका है, दूसरा बयानिया तो आया नहीं। आज क्या बयानिया होगा कि हमने इमरान खान को करप्शन के केस में गिरफ्तार कर लिया, अच्छा किया, मिठाइयाँ खाते हैं। तो मिठाइयाँ खाने वाला तो मुतबादल मंदिर नहीं होता। हमने देखा है जब पीएनए वालों ने भुट्टो साहब की फांसी पे खाई थी और ये जो नून लीगी आज फिरते हैं इन्होंने मिठाइयाँ खूब बांटी और खाई थी। हमने ये भी देखा कि जब नवाज शरीफ को निकाला गया तो उनके मुखालिफिन ने केक काटे थे। मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी रवायतें नहीं है, ये जो खुद इमरान खान के दौर में हुआ, खुद अब जो हो रहा है।
मैं सोचता हूँ कि जो केसेस हैं करप्शन के या दूसरे, इसमें इमरान खान ने साल तो पेश ही नहीं हुए ना, और फिर दूसरा उनके लोगों ने बड़ी मजाहमत की वहां पे वान पार्क में। तो मैं मुझे लगता है कि ये अब लॉन्ग ग्राउंड वॉर होगी, इमरान खान के खिलाफ केसेस होंगे, उन्हें डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। लास्ट में बिल्कुल हम रजा रहमान साहब से लीगली पर बात कर लेते हैं। रजा रहमान साहब, ये जो केस है, आपको इस केस में इमरान खान की जमानत होती नजर आ रही है, और क्या कहता है कानून, क्या ऑप्शंस हैं उनके पास? देखिए जी, उनको रिमांड में रखा जा सकता है 90 डेज, 15 डेज का वो कुछ रिमांड का भी बात हो रही है, 90 डेज जा सकता है। देखिए, जमानत तो हो सकती है इसके अंदर, और जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया था कि इसका जो 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 अगर आप फैक्ट्स देखें लीडिंग अप टू द अरेस्ट, वो अरेस्ट परफेक्टली जब वो कानूनी तौर पर था, लीगल था। लेकिन इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि इसकी ऑप्टिक्स इतनी अच्छी नहीं थी जो इम्तियाज आजम साहब ने कहा है, और एक ये एक ऑलरेडी सिचुएशन को इन्फ्लेम कर सकती, वॉलेटाइल सिचुएशन को, जमानत भी इनकी हो सकती है। द इम्पॉर्टेंट थिंग ये इसमें देखें, एक तो चीज मैं अर्ज करूंगा कि खान साहब ने जिनको कॉल अप नोटिसेस गए थे उन्होंने इग्नोर किया था, इग्नोर किया था, तो उन्होंने ऑब्वियसली उनको अरेस्ट कर लिया है, उस पर अरेस्ट की पावर भी है, जमानत की भी हो सकती है। सो अभी इस्लाम देखते हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अभी मामला गया, क्या होता है इसका। ठीक है, देखना यह है कि महफूज फैसला क्या सुनाया जाता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।